नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है तुलेश्वर कुमार साहू और मेरे चैनल का नाम है ट्यूटोरियल। हम चार बाइकर निकले हैं लद्दाख राइड पर और आज हम आपको श्रीनगर से कारगिल तक का सफ़र दिखाएंगे। वहां हम नाइट कैंपिंग किए थे और वहां के प्राकृतिक जो एटमॉस्फेयर है वो भी दिखाएंगे। दोस्तों आप प्यारा सा नज़ारा देख सकते हो, यहां पर हम रुके हुए हैं और आप पूरा व्यू देख सकते हो, गजब का व्यू है यहां। दोस्तों आप इस सफ़र के दौरान आपको एक तरफ रिवर, एक तरफ रोड और दूसरी तरफ खाई और एक तरफ पहाड़, ऐसे टाइप का आपको व्यू देखने मिलेगा। अभी हरा भरा है, लेह जाते ही हम और ऊंचाई पर होंगे जहां पूरी सूखी वादियां होंगी। अभी हरी भरी ये वादियां हैं, तो ये आपको पूरे सफ़र के दौरान ऐसे ही नज़ारे देखने मिलेंगे। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आसपास बिल्कुल क्लीन रखें, कोई पॉलीथीन ना फेंके इस सफ़र के दौरान। तो हम चलते हैं अपने मंजिल की ओर, आगे का आपको व्यू दिखाते हैं। आगे दोस्तों सोनमर्ग और गुलमर्ग नामक स्थान पड़ेगा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये दोनों सिंधु नदी की सहायक नदियों पर बसा हुआ है और आसपास बहुत ही टूरिज्म स्पॉट के रूप में ये सजाया गया है। आगे आपको दिखाते हैं। तो हम अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, मैं और मेरे फ्रेंड, और इधर देखो क्या बेहतरीन वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है जो कि गजब के व्यू दे रहा है यहाँ पर। बताइए कौन सा नदी है, अभी तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा आपको कौन सा नदी है। और वहाँ देखो कितना मस्त वाटरफॉल चल रहा है। और पूरे तरफ बादलों से ढका हुआ यह वादी। दोस्तों ऐसे जगहों पर एक पीक तो बनती ही है। लो दोस्तों सामने आ गया है सोनमर्ग के वाटर क्रॉसिंग का नज़ारा। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का एक गजब का व्यू। दोस्तों आप इस नदी का नज़ारा जबरदस्त देख सकते हैं और दूसरे तरफ इस पहाड़ों का नज़ारा, चट्टानों का नज़ारा भी है आपका। और ये नदी की जबरदस्त व्यू, अब यहाँ स्पॉट में है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ स्पॉट करने और हम निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों हमको लेह पहुंचना है, इसलिए हम कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा नज़ारा लेते हैं। और यहाँ एक और आगे प्यारी सी पॉइंट आ रही है, वहाँ हम थोड़े से रुकेंगे। दोस्तों सोनमर्ग के बाद ये होता है स्टार्ट गुलमर्ग का नज़ारा। गुलमर्ग का नज़ारा यहाँ से स्टार्ट होकर के जहाँ हम नाश्ता खाएँगे वहाँ तक यहाँ का व्यू है। और हम थोड़ा सा रुकते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं दोस्तों। और हमारे दोस्त राइडर भी आ गया यहाँ तक, अब हम दोनों साथ में हैं। बाकी दो राइडर आगे हो चुके हैं, वो हमारा कहीं वेट कर रहे हैं, कॉल किए थे, तो अभी हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, 2000 किलोमीटर दूर है वो, छत्तीसगढ़ 2500 किलोमीटर दूर, 2500 किलोमीटर दूर पे आए हैं। छत्तीसगढ़ यूट्यूब का नाम था क्या? टीटू रॉयल, सब्सक्राइब कर दिया। चलो ठीक है, आप लोग का भी वीडियो आएगा, सब्सक्राइब कर दिया तो ये मेरे चैनल का नाम टीटू रॉयल, मैंने किया सब्सक्राइब टीटू रॉयल। तो ये है दोस्तों आसपास के विजिटर जो कि YouTube चैनल को देखकर बहुत खुश हुए हैं और ये बहुत हैरान हो गए कि हम छत्तीसगढ़ से इतना दूर बाइक से आए हैं। और इनके कुछ साथी हैं वो जो बोल रहे हैं कि हमें भी उठाइए, फ़ोटो में उठाइए, मतलब फ़ोटो में लीजिए, ऐसा बोलना है कि हमारा भी वीडियो आएगा ताकि आप YouTube चैनल का, तो इनका भी हम थोड़ा सा एक क्लिप बना दिए हैं। आप लोग का अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी कर रहे हो आप लोग कहाँ से? आप लोग कहाँ से हैं? हम बस यहीं से। अच्छा लोकल से, ओके ओके। हेलो उठाना हमको उधर, अच्छा ओके ओके, आ रहा है स्टार्ट हो गया, चल रहा है, आ रहा है। तो ये कौन सा नदी, नदी कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है? सोनमर्ग नाला नदी, नदी का नाम
प्लेस का नाम सोनमर्ग और नदी रिवर 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 कौन सी रिवर है इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, हम भी दूर से ही हैं। झेला में चिनाब है। ओके ओके ठीक है। ये तो राशि वाला है ना। अंगूठी बोल रहा है राशि राशि वाला तुला राशि। आएगा 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 आएगा। ओके बाय। दोस्तों वहाँ से फटाफट निकल गए और वो मोहतरमा हमको अब हमारा अंगूठी मांग रही थी, पता नहीं किस निशानी के तौर पर मांग रही थी, हमें नहीं पता, पर हम वहाँ से निकल गए और हमें आप हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों ये है गुलमर्ग का नज़ारा, ये 8000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ फूलों की बहुत ही गजब की वादियाँ होती हैं और इसे पुराने समय में एक और अलग से नाम से जाना जाता था जिसका नाम है यूसुफ मर्ग, लेकिन बाद में ये चेंज होकर के गुलमर्ग हो गया। और यहाँ आप जब यहाँ का व्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ थोड़ी देर बैठे ठहरे और थोड़ा सा इस चीज़ का आनंद ले, पर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, हमको लेह जाना है। हम यहाँ पर अपने फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं, यहाँ लंच या कुछ नाश्ता करेंगे और यहाँ से हम निकल ही जाएंगे। तब तक आप आगे का गजब का नज़ारा देखिए। हमारे दोस्त यहाँ हमारा वेट कर रहे हैं दाना पानी होटल पे और हम यहाँ पर गजब का व्यू है। हमारे दोनों दोस्त यहाँ पर गजब से खाना खा रहे हैं, हमारे बिना ही चालू हो गए हैं ये, इन लोग को इसकी सज़ा मिलेगी। अरे मेरा अंगूठी ले रही थी भाई लड़की, ये वाला ये चांदी वाला अंगूठी, इतना बकर यार मजा आ गया था। क्या मजा आ गया कहाँ पर बैठे वो अपन से मिलकर खुश हो रहे थे। तो दोस्तों हमारा लंच हो गया है और हम यहाँ के आपको नज़ारा दिखाते हैं। हमारी बाइक यहाँ खड़ी हुई है और वादियाँ वहाँ हैं और यहाँ है वहाँ है और ये सभी जगह है वादिया। मजा आ गया। दोस्तों सोनमर्ग और गुलमर्ग देखने के बाद हम निकल गए हैं कारगिल रूट पर। कारगिल यहाँ से 115 किलोमीटर की दूरी पर है और लगता है हम आज वो जगह हम पहुँच ही जाएंगे। तो हम निकल गए हैं अपने मंजिल की ओर। बिना मारक जगह है यहाँ, इसी तरह टेस्ट करना थोड़ा खींचो ना मेरा मुझे भी भैया इधर ही के हैं यहाँ पर टेस्ट कराना पड़ रहा है, इसी रेपिड टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद अन्य हम निकलेंगे अपने राइड की ओर। बिना मारक में अभी रुके हैं हम। देखो बादलों का नज़ारा। मैं ऐसे गोल 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 घूम के यही चले आ रहा हूँ। सुबह कर क्या रहे लड़का यार, वहाँ भी कर रहे। दोस्तों कारगिल पहुँचते पहुँचते हमको शाम हो गया और यह है शाम का एक प्यारा सा व्यू जिसमें हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। और यहाँ टेम्परेचर बहुत ही जल्दी लो हो जाती है, माइनस में चले जाती है और हमको बहुत ही जल्द कारगिल पहुँचना होगा। कारगिल यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है तो हम राइडिंग फास्ट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा नाइट हो गया है। जैसे भी है 40-50 की स्पीड में ही जा रहे हैं और हम आपको कारगिल का नज़ारा दिखाते हैं। डाय दोस्तों अभी हम कारगिल वार मेमोरियल के पास है। और हम अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं कारगिल वार मेमोरियल के पास।
सर, और हम कारगिल दिवस के दिन ही कारगिल वार मेमोरियल के पास पहुँचे। बहुत हमारे लिए गुड लक रहा उस दिन, और बहुत ही इतफाक से उसी दिन हम वहाँ पहुँचे हैं। हम आपको अंदर का नजारा, और पीछे जो देख रहे हैं आप वो है टाइगर हिल जहाँ लड़ाई हुई थी। और ये जगह बहुत ही शानदार बनाया गया है हमारे देश के नौजवानों की याद में, और सभी तरफ फ्लैग हो रहे हैं। और कौन से कैप अंदर अलाउड नहीं है, अंदर अलाउड नहीं है। ये देख सकते हैं आप फ्लैग, हमारे देश का फ्लैग। यहाँ का कुछ डिटेल जानकारी देते हैं जो कि सर दे रहे हैं। यहाँ लाइफलाइन माना जाता है। जी जी ठीक है सर। ये जो आप रास्ते में खड़े हैं ये विजय पथ का नाम से जाना जाता है। विजय पथ का देने भाई टोटल 8 कारगिल वार मार्टियर्स का बस्ट लगाया है। इसमें 6 जिनको महावीर चक्र मिला था उनका बस्ट है, और स्टार्टिंग में जो दो है जिनको परमवीर चक्र मिला था, एक कैप्टन विक्रम बत्रा साहब हो गए, कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब, दोनों का बस्ट है। और आपका सामने जो ये गन है 155 में बफर्स, ये क्या है टाइगर का जब अटैक चल रहा था उसमें क्या है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इसको इधर इधर NH1 है। आपका रोड का देने जो छोटा सा गन्स लगाया है ये 75-24 पैक मिसर गन है, इधर को ऊपर लोड करके नहीं तो हेली में अंडरस्लंग करके पहाड़ों के ऊपर ले जाके दोबारा चेयर के ऊपर लोड करके बाप रे रीफिट करके क्या है इसको एनिमीज बंकर्स को और एनिमीज ट्रुप्स को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किए थे, तो ये भी बहुत कामयाबी गन था, इसलिए इसको डिस्प्ले किया। वहाँ पे जो 1999 में लड़ा गया यह युद्ध जिसमें कारगिल युद्ध का नाम दिया गया, इसमें पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष रूप से इसमें थी, लेकिन वह बार बार मना कर रही थी कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन बाद में साबित हो गया कि वहाँ थे। और बीच में जो उग्रवादी हैं कश्मीरी वो भी इसमें शामिल थी जो कि भारत पर कब्जा करना चाह रही थी, पर हमारे भारतीय सेना ने उनके इन इरादों को, इनके जो नापाक इरादे थे उनको इन्होंने विफल किया, और लगातार 30,000 सैनिक हमारे इस युद्ध में भिड़े रहे। उधर 5,000 सैनिक अपोजिट साइड थे, और हमने इस युद्ध को जीता। बहुत सारी कहानियां हैं युद्ध की और जो कि रियल है, पर हम ज़्यादा डिटेल आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। बस इसी युद्ध को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को, और हम 26 जुलाई के दिन ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बहुत खुशकिस्मत है कि हम कारगिल दिवस के दिन ही कारगिल के जो युद्ध संग्राम वाली जगह है वहाँ हम हैं सभी दोस्त, और हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारे नेशनल फ्लैग को इस तरह से लहराते हुए हम देख रहे हैं, अगर युद्ध नहीं जीत पाते तो ये नेशनल फ्लैग यहाँ नहीं होता, पर हमारे भारतीय सेना ने हमको नाकाम होने नहीं दिया। जय हिंद। कारगिल युद्ध में जो हमारे वीर जवान सैनिक हैं उनके यह स्मारक बनाए हुए हैं, यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हो। और इसमें एक वायुसेना द्वारा जो फ्लाइट यूज़ किया गया था वो यहाँ दूर पे उपस्थित है दोस्तों, इनका वायुसेना ने इस्तेमाल किया था और इनके सभी नापाक इरादे को विफल किया था, और सभी बेस कैंप को इसको हवाई हमले से उड़ाया गया था। और ये है ये स्मारक जिनके सबके नाम हैं, विजय स्मारक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है जहां वीर सपूतों ने इस युद्ध को एक सफलता के रूप में अंजाम दिया था दोस्तों। दोस्तों हमारे टेंट की तैयारी हो रही है, और जी राइडर हवा भर रहे हैं गद्दे पर, टेंट लगी है, बगल में सिंधु नदी है, इधर बह रही है नहीं दिख रहा है, एक टेंट इधर लगा हुआ है, और पूरे पेड़ पौधे हैं आसपास, अभी तो दिख नहीं रहा है, मुझे तो दिख रहा है, जो मेरी आंखों से दिख सकता है जरूरी नहीं कि वो आपको कैमरा से दिखे। दोस्तों आग जल गई है और हमारा टेंट इधर रेडी हो गया है, एक टेंट इधर है, एक टेंट उधर दूर में है, और आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये देखो गजब का सिंधु नदी बह रही है, चांद सितारे दिख रहे हैं और नदी बह रही है, और यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी जगह में जैसे जैसे रात होती जाती है टेम्परेचर माइनस में चले जाता है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, ऐसे में आपको नींद नहीं आ पाएगी और बार बार नींद खुलेगा। ऐसे में आप जितना हो सके गर्म कपड़े का इस्तेमाल करिएगा ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। दोस्तों हमारे सभी बाइकर दोस्त अब उठ गए हैं, यहाँ पर हम बॉर्न फायर किए थे, और ये देख सकते हो आप सामने का व्यू, और यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी हुई है, और सामने है सिंधु नदी का गजब व्यू, आपको तो पहले भी दिखाए हैं व्यू। यहाँ हमारे बाइकर्स दोस्त आ रहे हैं,
ये हमारे कुछ बाइकर दोस्त हैं, ये है जी राइडर, ये है अपना जाट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय हिंद। कारगिल में अपन इसलिए बहुत ज़्यादा जोश महसूस कर रहे हैं, हाउ इज़ द जोश। और ये यहाँ का व्यू है, दोस्तों इस विशाल माउंटेन के बीच से गुजर रहा है सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान में जाके विलीन हो जाती है। और ये है यहाँ का प्यारा सा वाटर। छोटा सा गैस किट लाए हुए थे दोस्तों, तो हम मैगी बना के यहाँ का एक इंजॉयमेंट किए हैं। और सभी दोस्तों का ये है ग्रुप पिक, आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। अब हम इस कारगिल को अलविदा कहते हैं दोस्तों, और हम यहाँ से निकलते हैं अपने अगले सफ़र की ओर, लेह की ओर। और आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि लेह तक का सफ़र बहुत इजी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ऑक्सीजन लेवल भी कम है, आप थोड़े से अगर पैदल चलेंगे तो आपकी सांसें हाँफने लगेंगी। और ऐसे ऐसे जगह भी देखे हैं जहाँ रात को भाप जम जाती थी, आगे का रोड नहीं दिखता था। तो नाइट में सफ़र मत करिएगा, दिन में ही सफ़र करिएगा। और बाकी जगह तो खूबसूरत है लेकिन ख़तरों से भरी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल वाला कोई काम ही नहीं है, लेकिन बाकी बहुत अच्छा ही है। आप यहाँ बिल्कुल ट्रेवल कर सकते हैं, लाखों लोग आते हैं यहाँ हर साल, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ रुके हुए हैं और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है और बार बार पानी पीना पड़ रहा है। दोस्तों एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप बस चूज करके स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, तो समझ जाना कि पानी की मात्रा बॉडी में कम हो गई है और लगातार पानी लेते रहिए। दोस्तों अभी हम कारगिल पर है और कारगिल पर हमको एक मेमोरी कार्ड लेना था, तो हम कारगिल का सफ़र कर रहे हैं। वो कारगिल मेमोरियल हॉल था जो पीछे था, यहाँ से कुछ दूरी पर ये कारगिल है और ये कारगिल शहर बह रहे हैं। जो वार हुई थी वो जगह प्लेस अलग है वो, तो अभी हम शॉप ढूंढ रहे हैं जहाँ हमको मेमोरी कार्ड मिल सके। और यहाँ का ये गलियों से होकर हम गुजर रहे हैं। यहाँ आने के बाद हमको ये तो पता चल गया दोस्तों कि यहाँ की लोगों की ज़िंदगी सिर्फ टूरिज़्म पर ही टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ ना खेती हो पाती है, ना यहाँ कोई फसलें होती है, ना यहाँ पेड़ पौधे हैं। तो पूरे लोगों की ज़िंदगी टूरिज़्म पर टिकी हुई है, तो ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ व्यवस्था तो किया हुआ है इन लोगों के लिए। ये कारगिल के बाद का एक छोटा सा गाँव है जहाँ ये मंत्रों का फ्लैग लगा हुआ था, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक पिक। तो दोस्तों ये था कारगिल तक का सफ़र, हम आगे आपको दिखाएंगे लेह का नज़ारा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसके लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लेह के एक अद्भुत सफ़र जो धूल मिट्टियों से भरी हुई है, विशाल चट्टानों और गहरे खाइयों से भरी हुई है, वहाँ हम आपको ले जाएंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल रोड ट्रिप की एक अद्भुत वीडियो क्लिप दिखाएंगे दोस्तों। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। T2 Royal नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम। तो जय हिंद दोस्तों।